हर घर में तोड़फोड़, बहन बेटियों के साथ मारपीट, गंदी हरकतें, जेवरात चोरी ले गए, टीवी तोड़ दिए, पलंग तोड़ दिए, खिड़कियां दरवाजे तक नहीं छोड़े, छोटे बच्चों को मारा पीटा, ऐसा घिनौना कभी देखा नहीं मेरे जीवन में, क्योंकि मैं खुद मौके पे देखा हूँ। इसलिए गांव में गाड़ियां तोड़ दी, जला दी, उनकी जो कड़पी थी, कहाँ कलाते सारे मतलब, और उनकी जो जान बचाई उन्होंने एक तालाब के उसमें से निकलते हुए, गांव वाले कह रहे थे साहब 100-200 मोबाइल तो इस तालाब के अंदर मिल जाए यदि ढूंढे तो, ऐसे चप्पल जूते वहाँ बिखरी पड़ी हुई है, मतलब मंजर जैसा नज़र आता है, ऐसा कभी राजस्थान में सुना नहीं। नरेश जी ने ऐसा कोई दुर्घटना ऐसी घटना नहीं की। मारपीट पुलिस वाले नेताओं को कितने बार मारपीट करते हैं, कितनी बार कपड़े फाड़ते हैं, वो तो जेल नहीं गए कभी। इसने क्या गुनाह कर दिया, गांधीवादी तरीके से ही तो धरना दिया था, जनता ने उनकी मांग थी इसलिए वो बैठ गए थे, और शाम को रात्रि को भोजन कर रहे हैं, उसको लाठियां मार रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े उनके घरों में पड़े हैं वो गोले भी आज भी। जिस ढंग से प्रशासन ने वहाँ मारपीट और तोड़फोड़ की है वो देखने योग्य नहीं है, मतलब निंदनीय है। कल मैं वहाँ गया था गाँव में जगह जगह आग जनी, उनके चारा जला दिया, उनके घर जला दिए, कुछ बक्से थे, बक्सों में क्या था, आदमियों को ढूंढने के बहाने बक्से तोड़े और बक्सों का सामान बाहर फेंक दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे बक्सों में सामान था वो नहीं मिल रहा, इस तरह की घटना हुई है। छोटे बच्चों को मारा, यानी एक तो गोद में था बच्चा, उस औरत को मार रहे थे तो उस बच्चे की इतनी जबरदस्त लगी हुई है पीछे, छोटे बच्चों को मारा है, यानी सबके साथ इस तरह के जगह ने अपराध किया है कि जिसकी हद नहीं। अब रहा सवाल गाड़ियां, घरों के अंदर गाड़ियां थी उनको निकाल निकाल के जलाइए, लोग कह रहे हैं कि वो आंसू गैस से जली, आंसू गैस से बाहर वाली जल सकती है, कोई दूसरी गाड़ियां जल सकती है, एक एक गाड़ी पूरे गांव में घर घूम घूम के गाड़ियां जलाइए, मोटरसाइकिलें निकाल के जलाइए, 15-16 बड़ी गाड़ियां जलाइए, चारा जलाया है, एक मकान के चारों तरफ अंदर तक के शीशे और अंदर जाके टीवी फोड़ दिया, फर्नीचर तोड़ दिए, इस तरह की घटना की है जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। समाज में जबरदस्त रोष है, अगर कोई घटना हो गई थी, किसी ने अपराध किया था तो उसकी सजा उसको मिलनी थी। गांव वालों को इस तरह की सजा देने का अधिकार किसने दिया? पुलिस तो रक्षक होती है, पुलिस को तो रक्षा के लिए मानते हैं, और वो पुलिस ही भक्षक बन गई। वहां के लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर एक कोई सब इंस्पेक्टर और 15-20 जो लोग थे उसके साथ, उन्होंने बर्बरतापूर्वक ये काम किया है, जानबूझ के ये काम किया है। ये सर्व समाज का रोष है, मीणा समाज तो नाराज है ही है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मीणा समाज के साथ साथ सभी समाज के लोग साथ है, और वो इस घटना में हमारे साथ है भी। हमारी मांग है कि एक तो न्यायिक जांच हो इसकी, किसी भी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से हो या किसी भी मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से जांच हो, मगर इसकी न्यायिक घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हैं हम सब लोग। घटना की न्यायिक जांच से हम ये चाहते हैं कि दोषी कोई भी हो, पुलिस है, प्रशासन है, हम है, जो भी दोषी होगा वो मुलजिम होगा, मगर कम से कम जांच तो सही कराओ।